सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रसोई चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल ही फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन रसोई चैनल में। आज हम सीखेंगे सूजी के उत्तपम कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों, हम सूजी के उत्तपम बनाना सीखते है। चाहिए सूजी, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सूजी ली है। इसके बाद दही 100 ग्राम, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च यहाँ पे 3 लिए, नमक स्वादानुसार, मिर्च पाउडर 1 चम्मच और कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम सूजी का बैटर बना लेते हैं। यहाँ पे सूजी के बाद दही, पहले हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही और सूजी को अच्छे से मिक्स किया है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका थिक बैटर बनाएंगे। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और इसका इस तरह से थिक बैटर बना लिया है। अगर बाद में जरूरत पड़े तो हम बाद में पानी डालेंगे। अभी हम इसे एक 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। पच्चीस मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से फूल चुका है। अभी हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसमें पानी डालने की जरूरत है। इसे मिक्स करेंगे। जो डोसा का बैटर रहता है उससे थोड़ा सा थिक बैटर बनाएंगे हम इसका। ये देखिए इस तरह से बैटर बन चुका है। अभी हम उत्तपम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है। अभी हम गैस ऑन कर लेते हैं और तवे को थोड़ा हल्का गर्म होने देते हैं। तवा हल्का गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें एक आधा चम्मच तेल डालते हैं और तेल को टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं। ऐसा करने से उत्तपम अच्छे आते हैं। अभी हम तवे के ऊपर उत्तपम का बैटर डालते हैं और इसे इस तरह से फैला देते हैं। उत्तपम थोड़ा मोटा ही रहता है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे स्लो किया है। ये देखिए इसे थोड़े से बबल्स आ चुके हैं। अभी हम इसके ऊपर प्याज डालते हैं। इसके बाद टमाटर, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, मिर्च पाउडर, और इसे इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो ये सब प्याज टमाटर है अच्छे से उत्तपम को चिपक जाए। अभी हम साइड से तेल डालते हैं। इस तरह से मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पे स्लो किया है और इसे इस तरह से एक साइड से हम एक 2 मिनट तक पका लेते हैं। गोल्डन कलर आने तक सेक लेते हैं।
साइड से भी अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से बना है। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेते हैं। सूजी के उत्तपम कैसे बनाते हैं। बहुत ही झटपट रेसिपी है और खाने को बहुत ही स्वादिष्ट। आप इसे नाश्ते में जरूर बनाइए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।